उस नेता का नाम मैंने रखा है, उस नेता का नाम है छिपकली, तो कविता का नाम है छिपकली। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के। हाय, तो मेरा नाम है हुसैन हैदरी और मैं एक शायर हूँ, एक लेखक हूँ, एक गीतकार हूँ और मैं आज झारखंड लिटरेरी मीट में आया हूँ। और मैंने अभी एक सेशन किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुबह का सेशन था, रविवार सुबह का सेशन था, उसके बावजूद इतने लोग आए, इतने लोगों ने गौर से सुना, बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो, मतलब कोई भी बात कही जाए तो, और उसके बाद सवाल जवाब भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत जागरूक हैं रांची में और बहुत उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं, बहुत मतलब सुनने की इच्छा है उनमें, तो ये एक मुझे बहुत खूबी लगी यहाँ के लोगों की। दूसरा ये कि उम्मीद करता हूँ ऐसे लिट्टी चोखा खा के जाऊँ, क्योंकि मैं पिछले साल भी आया था तो तब मैं लिट्टी चोखा खा के गया था तो मुझे बड़े पसंद आए थे, तो अब मैं वो भी खा के जाऊँ बस ये। तो सर पिछले साल भी आप आए थे लिटरेरी मीट में और पिछले शायद पिछले के पिछले साल, दो साल पहले आए थे और इस साल भी आए हैं जी। तो पहले परसेप्शन क्या था आपका जब झारखंड आप नहीं आए थे कभी भी, जब भी आप इंदौर में पढ़े उसके बाद फिर झारखंड आए और उसके बाद मेंटेलिटी में क्या फर्क आया आपके? हाँ, तो इतना मैं रहा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा फ़र्क बता पाऊँ आपको, और ना ही मेरी कोई धारणा थी मतलब झारखंड में आने के पहले। तो जो देखा मैंने नई आंखों से देखा और नए कानों से सुना, तो मैं जब पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब चौराहे देखे, थोड़ी गलियाँ देखी टैक्सी में आते हुए दोनों वक्त, तो मुझे लगा जिस तरह छोटे शहर होते हैं, जैसे मैं इंदौर से आता हूँ तो ये भी मेरे शहर जैसा ही शहर है। और मुझे फिर लोगों ने बताया भी कि घूमना फिरना अगर हो, अगर आपको सीनिक ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी देखनी है झारखंड की, तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा। शायद मुझे एक दिन तब एक्स्ट्रा लेके आना था, मैं उस टाइम भी एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लाया था, मैं अनफॉर्चुनेटली इस बार भी एक दिन एक्स्ट्रा नहीं ला पाया हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कभी अगली बार जब आऊँगा तो मुझे ये पता चला शहर के आसपास बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, मतलब नेचुरल लैंडस्केप और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ का, मैंने लिट्टी चोखा खाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। झारखंड के लोग, तो झारखंड के लोग वही बहुत वार्म हैं, बहुत सुनने आए हैं। अब आप मतलब खुशी, हमें लगता है कई बार लोग ये, मैं अपने बात नहीं कहूँगा बट गलत जो धारणा बना लेते हैं लोग कि छोटे शहर में लोगों को पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्हें उतना ही शौक़ है। मैं तो कहूँगा उन्हें, जिनको शौक़ है उनको 10 गुना ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि उनके लिए वही खिड़की होती है दुनिया के लिए, उनके लिए वही ख्वाब दिखाने वाली मतलब उनके औजार कह लीजिए, उनकी आँखें होती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहता है, 2 साल पहले भी था। और आप इतने ज़्यादा लिटरेरी फेस्ट अटेंड करते हैं, बहुत बहुत जगह मैं देखता हूँ, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे कहीं फेस्ट में चले जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं लिखने का, फिर टाइम कब निकालते हैं लिखने का टाइम? वो एक्चुअली आप कोलेट करके देखते हैं, बहुत वक्त मिलता है काफ़ी, इतने इवेंट्स में नहीं जाता हूँ मैं, कम ही इवेंट्स में जाता हूँ। दूसरा ये भी कि ट्रैवल के वक्त भी अगर लिखना हो तो वो तो ट्रेनों में लिखा जा सकता है, मतलब फ़्लाइटों में लिखा जा सकता है, तो लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो जब सर पे आता है तो यूँ भी लिख लिया जाता है। और दूसरा, इतने इवेंट में जाता नहीं हूँ मैं जितना आप समझ रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है, खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है, रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के कश्ती ये लगाती है, और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, ढल दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निकल जाती है, फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है।